चलिए आज मैं आपको एक टूर पर ले चलता हूँ जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट माइक के बारे में बताऊंगा, उनके काम के बारे में बताऊंगा, वो किस रूप में यूज होते हैं और कौन सा माइक किस कैमरे पर यूज किया जा सकता है और कब किया जा सकता है उसके बारे में बताऊंगा, और कॉस्ट वाइज भी बताऊंगा कि किस माइक का कॉस्ट ज़्यादा है, आप अगर सस्ते में अगर अच्छा साउंड चाहते हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि माइक कितने तरह के होते हैं। माइक के प्रकार को जानने से पहले आपको जानना होगा कि माइक काम कैसे करता है। देखिए, माइक ठीक उसी तरह से काम करता है जिस तरह से हमारे जो वोकल कॉर्ड है वो काम करता है। वोकल कॉर्ड में क्या होता है, कंपन होता है। जब हम बोलते हैं तो एक कंपन उसमें होता है, वाइब्रेशन होता है, और वही वाइब्रेशन आपको सुनाई पड़ता है आपके कान के पर्दे के जरिए, क्योंकि वो वाइब्रेशन जब आपके कान के पर्दे पर पड़ता है तो वो भी उस तरह से कंपन करता है जैसे हमारा वोकल कॉर्ड कर रहा है, और हमारे यहाँ से आवाज़ उत्पन्न होता है और आपके कानों तक वो सुनाई देता है। सेम उसी तरह से आपके यहाँ पर आपके वॉइस के जरिए या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के जरिए या किसी भी जगह से जो आवाज़ आती है उसका वाइब्रेशन को माइक्रोफोन का जो डायफ्राम होता है वो कैच करता है और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके वो स्पीकर को भेजता है, और स्पीकर का जो डायफ्राम है उसी तरह से हवा में कंपन करके वो साउंड को प्रोड्यूस करता है। ये एक इसका बेसिक है। कंटिन्यू टू नेक्स्ट पार्ट।